Hello, hello, hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome, khushamadeed ji aano and pakhair rang le. Kaise hain mere khoobsurat se pyare se listeners? Aur kya kar rahe hain? Kis tarah se aapki zindagi ja rahi hai? Rawa dawa hai ya thodi thodi bumpy ride bhi chal rahi hai? Khair, ye zindagi ka part hai. Life is all about kabhi up, kabhi down. होता रहता है. और शो आप लोग जानते हैं कि करियर क्राफ्टर द अंतक बात मुझे कहते हैं कुरतुल्ला नब्बासी. इन केस अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं बता रही हूँ कि मुझे कुरतुल्ला नब्बासी कहते हैं और आप करियर क्राफ्टर द अंतक बात का एक और खूबसूरत चैप्टर आज 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 बिल्कुल आज जो है सुनेंगे नई सुबह वेब रेडियो पर. और हम लोग MBA की बात कर रहे थे और MBA की आप लोगों ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे. तो एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब बहुत सारे लोगों ने किया था लेकिन एक शख्स ने बहुत डिटेल में पूछा था और दैट पर्सन इज फ्रॉम समवेयर फ्रॉम पंजाब. और क्योंकि मैं अब जाहिर इतने सारे मैसेजेस होते हैं समाव नाम याद नहीं रख पाती, तो पंजाब से ये मैसेज था. और उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली में दो लोग जो हैं उन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में MBA किया है, तो मेरे मामा पापा जो हैं वो भी मुझे फोर्स कर रहे हैं कि आप अपना ग्रेजुएशन के बाद जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट करो. लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है क्या होता है. मतलब सप्लाई और चेन और मैनेजमेंट तीन अलग अलग नाम है. मैनेजमेंट मतलब किसी चीज को मैनेज करना, मतलब आगे बाकायदा डिटेल थी. और मतलब चेन मतलब चेन किसी भी चीज की चेन हम लिंक करते हैं तो चीजों की चेन बन जाती है. तो मतलब इन शॉर्ट समझ नहीं पा रहे थे कि ये किस तरह की डिग्री है. तो मतलब इज इट पॉसिबल कि नई सुबह वेब रेडियो के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें पता चल सके कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों होता है और मतलब इसके क्या बेनिफिट. तो वो जो हमारे लिसनर जिनका फीडबैक मैंने पढ़ा तो वो इतना ज्यादा कंफ्यूज. और फिर मैंने खुद से ये सोचा कि जब एक शख्स इतना कंफ्यूज हो सकता है तो ना जाने कितने और लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे, लेकिन शायद उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं कि वो हम तक पहुंच सकें या किसी भी ऐसी जगह पहुंच सकें जहां पर उनको कोई क्लैरिटी मिल सके. तो फिर नई सुबह वेब रेडियो की टीम के साथ मैंने जो है बात की और उनको कहा कि इस हवाले से हमें कुछ करना चाहिए. और फिर बाकायदा हमने अपने गेस्ट ढूंढे और जो माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस है अभी आपको मिलेंगे तो आप देखिएगा कि उनके पास कितना तजुर्बा है इस रेलेवेंट फील्ड का और वो आपकी क्यूरियस को किस तरह से क्लियर करते हैं. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट लोगों को कंफ्यूज करती है कि ये है क्या, मतलब मशहूर है लेकिन क्या चीज है. तो आज का करियर क्राफ्टर द अनप्लग पार्ट जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हवाले से है. आपको बताया जाएगा ये टर्म एक्चुअल में है क्या और ये अब जो है एज अ करियर लोग इसे किस तरह से इसकी तरफ जा सकते हैं और किस तरह से वो इसमें एक्सेल कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को किस तरह के मार्क्स चाहिए होते हैं. फिर MBAs की जो टाइप है जी, पिछले हमने कुछ शोज में MBA किया था डिस्कस, अगर याद हो. यस, HR हम लोगों ने डिस्कस किया था और लेकिन उसमें हमने एक चीज डिस्कस नहीं की थी. ये भी क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MBA एंड एग्जीक्यूटिव MBA. और मैं भी गमे के लिए लिसनर सोच में पड़ गई थी कि लाइक वाओ, मतलब इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन कि हमें तो MBA लगता है तो फिर क्या डिफरेंस है. तो आज आपको आपके इस सवाल का जवाब भी बिल्कुल मिलेगा हमारे इस आज के शो में. तो आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है, एंड तक रहना है ताकि आपको पता चल सके कि डिफरेंस क्या होता है MBA और एग्जीक्यूटिव MBA में और कौन लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव MBA करते हैं और कौन से लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव MBA के अहल नहीं है, एलिजिबल नहीं है. जी जनाब, ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और यूनिवर्सिटी में कहे कि मुझे एग्जीक्यूटिव MBA करना है, अभी आप मुझे एडमिशन दे दें. रेगुलर MBA हर कोई कर सकता है लेकिन एग्जीक्यूटिव MBA की कुछ राइट है, कुछ पॉइंट्स. तो ऐसा क्यों होता है, मतलब जब दोनों डिग्री सेम है, एक जैसे नाम साउंड कर रहे हैं, MBA बस एग्जीक्यूटिव साइड में है, तो क्या फर्क है. अच्छा, बहुत सारे लोगों को क्या और इश्यूज होते हैं कि हमें ना एग्जीक्यूटिव करना है. अच्छा, एग्जीक्यूटिव में ये होता है कि आपकी जो क्लासेस होती है मेजोरिटी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ट्वाइस इन अ वीक दे रही होती है और सैटरडे संडे यूजुअली क्लासेस होती हैं, वीकेंड पर हमारी क्लासेस होती हैं. अब लोग सोचते हैं कि ये तो बड़ा आसान काम है, हम एग्जीक्यूटिव MBA करते हैं और मतलब बाकी दिनों में हम कहीं जॉब और कुछ और काम भी कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है. तो लिसनर्स, ऐसा नहीं होता और आज का हमारा शो आपको आपके इस सवाल का, आपकी इस परेशानी का बिल्कुल जवाब देगा कि इन दोनों MBAs में डिफरेंस क्या है, कौन सा MBA किसके लिए सूटेबल है और खासतौर पर एग्जीक्यूटिव की बात की जाएगी कि उसका एक एलिजिबिलिटी, एक सर्टन क्राइटेरिया है कि जो लोग उसमें आना चाहते हैं अगर वो तमाम क्राइटेरिया जो फुलफिल करते हैं तो फिर भाई वो आ सकते हैं, एल्स आप नहीं आ सकते. और एक और बात, एक छोटा सा पॉइंट मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि अगर इन केस आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, अगर आपने फॉर इंस्टेंस BBA किया है या आपने कोई भी 2 इयर्स वाला ग्रेजुएशन किया है तो आप MBA एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल नहीं हो. ये मैं अभी से बता देती हूँ इन एडवांस. अगर माइंड में कहीं पर भी ये था ना तो आप इसे निकाल के बाहर फेंकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है. अच्छा, क्यों नहीं कर सकते वो आपको हमारे आज के गेस्ट बताएंगे और डिटेल में बताएंगे
जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ एंड तक रहना पड़ेगा, शो पूरा सुनना पड़ेगा ताकि आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल सके। ठीक है, तो इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हमने इतनी धूम जो सुनी है, आज वो भी क्लियर होगा कि यार एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ डिग्री का नाम सुन के उसमें एडमिशन ले लेते हैं और बाद में फिर परेशान होते हैं क्योंकि ये उनका इंटरेस्ट होता ही नहीं है। तो ये भी हमारा आज का डिस्कशन है कि स्टूडेंट्स ऐसे ही कहीं भी चले जाते हैं। ठीक है, कि मेरा दोस्त वहां जा रहा है तो मैं चला जाता हूँ, या वहां कोई और सहूलत है तो वहां चला जाता हूँ, या कोई यूनिवर्सिटी का नाम है, स्टेटस है, मतलब हम वहां चले जाते हैं। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये एजुकेशन और करियर बड़े इंटरलिंक चीजें हैं। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है ना, तो फिर करियर अच्छा होने का तो सवाल ही नहीं होता। तो नई सुबह वेब रेडियो आपकी केयर करता है, क्योंकि नई सुबह जो वेब रेडियो है वो यूथ का रेडियो है, यूथ के दिल की आवाज नई सुबह वेब रेडियो, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। और आज के आपके दिन का आगाज हम करेंगे अपने इस शो के साथ। दिन का आगाज हो चुका होगा मुझे पता है, बस ठीक है, मतलब लेकिन मुझे लगता है कि आप एक अच्छी और मोटिवेशनल चीज सुनते हो ना, तो वही आपके दिन का परफेक्ट स्टार्ट होता है। तो दिस इज द परफेक्ट स्टार्ट फॉर माय लिसनर्स। आप अपने दिन का आगाज करेंगे हमारे शो के साथ, जो कि है करियर क्राफ्टर अनप्लग पाथ, और बहुत सारी बातें होंगी। तो लिसनर्स, आप में से जो लोग हमें आज पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं है। व्हाट्सएप हर किसी के फोन में, एंड्रॉइड सबके पास है, iOS भी, भाई बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा अमीर भी होते हैं तो iOS भी है, तो आप लोगों के पास व्हाट्सएप भी मौजूद होगा। तो 0330860072 इज द नंबर जहां पर आप अपना कॉमेंट और अपनी जो राय है हमसे शेयर कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह से कंफ्यूज हैं, किसी भी एजुकेशनल फील्ड को लेकर या किसी करियर को लेकर, कि समहाउ हमारी डिग्री हमारे करियर जो है ना दोनों से रिलेट नहीं करती, लेकिन आप जाना उस तरफ चाह रहे होते, तो अगर इस तरह की भी कोई पर्प्लेक्स सिचुएशन है, तो नई सुबह वेब रेडियो इज हियर फॉर यू एंड आई एम हियर फॉर यू। हमारे गेस्ट आपके साथ होंगे, आपके क्वेश्चंस, आपकी क्यूरियस को हमने क्लियर करने की एज मच एज कोशिश करनी है। ठीक है, तो बस आपने इतना सा करना है कि आपका फीडबैक हमें देते रहना है और साथ रहना है, एंड तक साथ रहना है, ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिल सके और आपके जो जहन में बहुत सारी परेशानियां वो क्लियर हो सके। ऑलराइट लिसनर्स, करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ और इसका एक और खूबसूरत एपिसोड, आई मी एंड माई सेल्फ कृतिला नबासी और हमारे आज के गेस्ट हमारे साथ बिल्कुल मौजूद। और मौसम की तब्दीली का असर मेरे गले पर बिल्कुल वाजे है और आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा, लेकिन देखें आप लोगों की मोहब्बत कि हमने शो को जो है ना स्किप नहीं किया, हमने शो करना ही करना था। तो हम लोग मौजूद हैं नई सुबह के वेब स्टूडियोज में अपने आज के मेहमान के साथ और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो जो है इस हवाले से क्या बात करते हैं, जिस हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो शो में मधु करने का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और अपने शो में शामिल होने के लिए आपने जो है मुझे इज्जत बख्शी। थैंक यू की बिल्कुल कोई बात नहीं सर, प्लेजर इज ऑल माइन कि आप यहाँ मौजूद हैं, ये हमारे लिए एक ऑनर है कि आप यहाँ हमारे साथ हैं। आपने हमें वक्त दिया, नई सुबह के वेब स्टूडियोज में आप आए और आज के इस शो में आप हमारे साथ एंड तक इंशाल्लाह ताला मौजूद रहेंगे। तो सर, आप हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो क्वेश्चन होता है हमारे हर गेस्ट से, आपसे भी वही क्वेश्चन है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा और आप स्टार्टिंग से बिजनेस फील्ड से थे या एकदम आपने स्विच किया, तो काइंडली टेल अस समथिंग अबाउट योर एजुकेशनल जर्नी। मेरा नाम अहमद शेख है और मैं सप्लाई चेन के फील्ड से तकरीबन गुज़िश्ता 17-18 साल से वाबस्ता हूँ और मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो कॉमर्स में कंप्लीट की थी। मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया था और मैं स्टार्टिंग से ही जो है वो कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ। आई मीन लकी इन द सेंस कि मुझे जो है वो स्टार्टिंग से कॉमर्स पढ़ने का मौका मिला एंड ग्रेजुएशन के बाद मैंने जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन की एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग और दैट वाज माय फर्स्ट जॉब कह लें आप उसको। इट वाज अ मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी और मैंने वहाँ से अपने करियर का आगाज किया और तकरीबन 2 साल मैंने ट्रेनिंग हासिल की, अराउंड 2 इयर्स। ऑलराइट, माशाल्लाह, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस आपके पास है, 18-19 साल कम नहीं होते। लेकिन सर, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कुछ अर्से पहले तक लोग जानते भी नहीं थे, एज अ सब्जेक्ट जरूर पढ़ाते थे बीच में जहाँ पर मैनेजमेंट की बात होती है, सॉरी MBA की बात होती है, लेकिन फिर ऑल ऑफ द सडन से बाकायदा एक डिग्री का दर्जा दे दिया गया और सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ गया। तो काइंडली बताइएगा कि ये कब से पाकिस्तान में आई और इस वक्त इसका स्कोप क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए।
देखिए बेसिकली सप्लाई चेन जो है वो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, और ये अगर आप कहेंगे पिछले कुछ चंद साल से आई तो मैं थोड़ा सा इससे एग्री नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने जब आप कह सकते हैं कि अर्लियर इसमें जैसे आप इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें लोकल प्रोक्योरमेंट भी शामिल है, इसके अंदर वेंडर डेवलपमेंट भी शामिल है, इसके अंदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी शामिल होती है। सही है, तकरीबन 16-17 साल पहले इसका इतना वो नहीं था, लेकिन उस वक्त ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और परचेज दो डिपार्टमेंट होते थे। उसके बाद कुछ ही अरसे बाद, यानी कि आप कह सकते हैं कि सिंस नेवी अराउंड 2000 या 2002, उस वक्त इसकी जो है वो अवेयरनेस मल्टीनेशनल कंपनीज में स्टार्ट हो चुकी थी, और बाकायदा जो है वो जो बड़ी कंपनीज थी पाकिस्तान के अंदर, जिनमें से ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, वेलकम है, रॉश है जिसमें मैं काम करता था, तो जब मैंने रॉश ज्वाइन की थी तो वहाँ पे मैं सप्लाई चेन में ज्वाइन किया था मैंने, क्योंकि जब मैंने अपना एज अ कैरियर रॉश ज्वाइन किया तो उस 2000 के बाद जो है सबने के उसमें मतलब यहाँ अभी सप्लाई चेन डिपार्टमेंट जो है वो उन्होंने उसको रीनेम कर दिया, और वहाँ पे जो है वो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के हेड में लोकल प्रोक्योरमेंट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आ गया, और ये सब चीज़ें अंडर सप्लाई चेन अम्ब्रेला आ गई। पाकिस्तान में अराउंड 2002 जो है ये मैं समझता हूँ कि इंट्रोड्यूस हुआ, और फॉरेन में तो बहुत पहले से ये इम्प्लीमेंटेड था, लेकिन जो मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में काम कर रही थी उनके यहाँ भी ये सप्लाई चेन डिपार्टमेंट जो है वो बाकायदा क्रिएट कर दिए गए। सप्लाई चेन के अम्ब्रेला में तकरीबन चार चीज़ें आ गई, जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आ गई, लोकल परचेजिंग आ गई, वेंडर डेवलपमेंट आ गया, और न्यू वेंडर फाइंडिंग, ये सब चीजें जो है सप्लाई चेन के हेड में आ गई। ऑलराइट, थैंक यू सर इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। एज अ लिसनर्स बहुत माजरत, क्योंकि आज मेरा गला काफी ज्यादा नासाज है और आप लोगों को मेरी यही वाली आवाज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा सर, किसी जमाने में यही होता था कि अगर MBA की बात होती थी ना तो सिर्फ मार्केटिंग और फाइनेंस, और मार्केटिंग का मतलब लोग समझ जाते थे कि हम जिस तरह से प्रमोशन करते हैं अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, और फाइनेंस में जहां पैसों की बात कर रहे होते हैं। तो सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अगर जो टर्म है इसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें उन लोगों के लिए जो जाना तो जाते हैं लेकिन उन्हें इसका सर पैर बिल्कुल नहीं पता है, तो उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट इज एक्चुअली सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक्चुअली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कंसीडर करें तो इसमें इनिशियली जो हम इनिशिएट करते हैं यहाँ से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि हम किसी वेंडर के पास अपनी क्वेरी भेजते हैं कि हमें ये चीज चाहिए तो आप हमें कोट करें, ये इसका पहला प्रोसेस होता है कि हमने कोई भी चीज खरीदनी है हम मार्केट में वेंडर सर्च करते हैं और उस वेंडर से हम फिर उस चीज़ का सैंपल मंगाते हैं। फर्स्ट प्रोसेस ये होता है इसका। इसका सेकंड प्रोसेस होता है अप्रूवल का, सैंपल अप्रूवल का। थोड़ा सा बताते चलूँ, जैसे जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं जिनके यहाँ प्रॉपर SOPs बने हुए हैं, उनके यहाँ पूरा ये प्रोसेस होता है कि उनके यहाँ सैंपल्स अप्रूव्ड होते हैं, और मल्टीनेशनल में यूजुअली ये होता है कि जो उनके जहाँ जहाँ हेड ऑफिस होते हैं वहाँ पे उनके वो ग्लोबल वेंडर्स अप्रूव्ड होते हैं, उनके सैंपल्स ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं, वो आपको बता देते हैं कि ये कंपनी है, ये कंपनी जर्मनी में भी है, ये चाइना में भी है, ये मलेशिया में भी है, आपको जहाँ से फीजिबल हो आप वहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। तो इसमें यह होता है कि जिस कंपनी को जहाँ से सूटेबल होता है, जहाँ से उसकी कॉस्ट कम आ रही होती है वहाँ से परचेजिंग करता है, इसका फर्स्ट पार्ट ये होता है। सेकेंड पार्ट में इसको ये होता है कि हम अगर चीज़ बाहर से मंगानी है, हमने कोई मटेरियल, कोई फिनिश मटेरियल, कोई रॉ मटेरियल, तो वो हम उसको उसी कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं अपने नियरेस्ट कंट्री से। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें चाइना से आती हैं, उसकी वजह यह है कि चाइना से मंगाने में कॉस्ट निस्बतन कम आती है, बट एक इशू है, चाइना से जो बल्क शिपमेंट्स आती हैं, जो बाय सी आती हैं, क्योंकि एयर फ्रेट बहुत ज़्यादा रहता है, कॉस्ट बहुत हाई होती है, उसको मंगाने में कंपनी की जो है कॉस्ट बढ़ जाती है, तो जो चीज़ें बल्क क्वांटिटी में थ्रू सी आती हैं, बाय सी आती हैं, वो उसमें ट्रैवल टाइम ज़्यादा लगता है, ये भी एक कंसिडरिंग पार्ट होता है उसका। मतलब ये सब चीज़ें सप्लाई चेन ने देखनी है कि ऑर्डरिंग प्रोसेस, ऑर्डर का डिलीवरी टाइम, उसका ट्रैवल टाइम, और इसके अलावा जो शिपमेंट वहाँ से होती है उसकी मॉनिटरिंग, उसके बाद जब वो डिलीवर होती है उसके साथ उसके पैरेलल जो बैंक रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो भी सप्लाई चेन फाइनेंस के साथ कोऑर्डिनेशन में देख रहा होता है। पहले ये चीज़ प्योरली जो है बैंक वाली जो है मैं समझता हूँ कि फाइनेंस ही देखा करता था, लेकिन अब सप्लाई चेन के अम्ब्रेला में ये चीज़ भी कवर होती है कि जो बैंक से डीलिंग है वो सप्लाई चेन का पार्ट है। और उसके बाद जब ये चीज़ें पाकिस्तान इम्पोर्टेड चीज़ें पहुँचती हैं
तो इसकी जो क्लियरेंस वगैरह अरेंज होती है वो सब चीज़ें भी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, आपने सुना होगा आजकल बहुत आम फैम है, पहले सिर्फ लॉजिस्टिक था, अब सप्लाई चेन में लॉजिस्टिक भी कवर होता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज जब हमने कुछ मंगाया है तो हमने उसको यहाँ पे क्लियर भी करना है थ्रू प्रॉपर चैनल, और उसको हमने अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में या वेयर हाउस में, जो भी वट एवर हमारा सेटअप है, उसमें पहुँचना है सामान को। ये भी जो है इस तरह देख लें आप, ये चार पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लोकल परचेज, इम्पोर्ट और लॉजिस्टिक भी, और प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट द फर्स्ट थिंग वेंडर डेवलपमेंट, ये चार चीजें। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतना डिटेल में बताया कि व्हाट इज एक्चुअली सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और ये बहुत ही वास्ट है अपने आप में, इसीलिए शायद अभी से एक अलग से लिसनर्स डिग्री का जो है दर्जा दे दिया गया और लोग इसे एज अ करियर परस्यू करते हैं। सर आजकल लोग दो चीजों को बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एक HR। ये एकदम से पाकिस्तान में इनको बूम मिला है, वरना उससे पहले किसी जमाने में सिर्फ दो ही चीजें होती थी, जैसे कि मार्केटिंग और फाइनेंस। तो आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट से वाबस्ता हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने कौन से इदारे से अपना MBA कंप्लीट किया सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ताकि हमारे लिसनर्स को पता चले कि यहाँ पर हमारे शहर में ऐसे कौन से इदारे हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अच्छी डिग्री और अच्छे स्टूडेंट्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्लीज जरा इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि ऐसे कौन से इदारे हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डिग्रीज दे रहे हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो है वहाँ से प्रोड्यूस होकर निकल रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में बहुत अच्छे नामवर इदारे हैं जो कि बहुत क्वांटिटी में सप्लाई चेन में जो है ना वो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने अपना MBA जो है वो प्रिंसटन से परसू किया था, और पाकिस्तान में इसके अलावा बहुत से इदारे हैं, उनमें से चंद नामवर इदारे जैसे IBA है, इकरा यूनिवर्सिटी है और ज़ियाबेस्ट है, ये लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस वक्त जो है MBA सप्लाई चेन और मार्केटिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। यहाँ से बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो सप्लाई चेन में MBA करके और क्वालिफाई करते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे वो इदारे हैं लिसनर्स जहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना MBA कर सकते हैं, स्पेशली राइट नाउ बात कर रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हवाले से, तो अगर आप इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसकी बाकायदा डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो ये इदारे मौजूद हैं आपके पास और आप यहाँ जा सकते हैं जब आपका टाइम होता है। ग्रेजुएशन के बाद आप जा सकते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन कुछ लोगों ने 2 years का किया होता है और कुछ लोगों ने 4 years का किया हुआ होता है। अब जो है 4 years की एजुकेशन ही हर जगह हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है थोड़ा सा पुराने हैं या फिर कॉलेजेस वगैरह से अपनी डिग्री लेते हैं। तो लिसनर्स आप लोगों के लिए ये है कि दोनों सूरतों में आप MBA कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम ड्यूरेशन जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है, लेकिन MBA इज फॉर एवरीवन। और आप किसी भी शोबे से अगर हैं और आप स्विच करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे व्हाट्सएप पर पूछते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जनाब ऐसा हो सकता है, आप लोगों का मैंने जो क्वेश्चन है क्लियर किया है, और 0330860072 इज द नंबर वेयर यू कैन लीव योर फीडबैक, कॉमेंट और एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू नो। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और करियर क्राफ्टर दान प्रत बात का एक और एपिसोड। हमारे शेख हमारे साथ मौजूद हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं और आपको बता रहे हैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से, कुछ अपने प्रैक्टिकल अप्रोचेस से जो उन्होंने सीखा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन एक और अराइज होता है मेरे माइंड में आया कि सर आपने जैसे बताया कि 18-19 साल का माशाल्लाह माशाल्लाह एक्सपीरियंस है आपके पास, तो सर तब तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेरे ख्याल से किसी के माइंड में भी नहीं होगा कि मतलब आपको किसने सजेस्ट किया कि आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, या आपने क्या सोच के इसे एज अ फील्ड लिया, एज अ करियर लिया, आपने इसकी डिग्री ली और फिर आप आगे उसमें जाहिर सी बात है माशाल्लाह से अभी तक एक्सेल कर रहे हैं। तो और जब आपने लिया था उस वक्त क्या था आपके माइंड में, क्या था सराउंडिंग में, क्योंकि जब हम किसी डिग्री में दाखिला लेते हैं तो हम जरूर देखते हैं कि आने वाले दौर में इसका स्कोप क्या होगा, क्योंकि आजकल हम तालीम सिर्फ अपने लिए नहीं हासिल करते, हम उससे अर्निंग भी जाहिर सी बातें चाहते हैं, पूरी पूरी फैमिली संभालनी होती है। तो आपके माइंड में उस वक्त क्या था और सर आज आप क्या देखते हैं, माशाल्लाह आपका फैसला किस हद तक सही साबित हुआ और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एक जो बूम मिला है हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, तो आप उसे देख के मतलब क्या फील करते हैं कि मैंने क्या करेक्ट डिसीजन लिया था जब मुझे जो है डिग्री की तरफ जाना था। एनी थैंक यू, आपने एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो मुझसे किया है बहुत इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डेफिनेटली उस वक्त जो है वो सप्लाई चेन को लोग नहीं जानते थे, लेकिन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे अंकल हैं नेवी में, उस वक्त थे वो नेवी में, और प्लस ही वॉज ऑल्सो टीचिंग इन IBA, तो आई बी लकी इन द सेंस कि मुझे गाइड करने के लिए वो मौजूद थे, और उनका ये फोकस था कि किसी ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जिसका जो है ना बहुत वास्ट स्कोप होना चाहिए, और चूंकि वो
डेफिनेटली वो वहाँ रिलेटेड थे, उससे एफिलिएटेड थे एक बहुत बड़े इदारे से, प्लस वो फोर्सेज में सर्व कर रहे थे, तो वो उनका विजन जो है वो बहुत वास्ट था। तो और ये इंटरेस्टिंग फील्ड भी मुझे अब लग रहा है, मतलब ज्वाइन करने के बाद लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बिकॉज इसमें इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं कि कुछ इदारे वैसे इसमें ऐसे हैं जैसे कि उनके यहाँ डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कि वो अभी भी मतलब सप्लाई चेन हेड में लोकल प्रोक्योरमेंट अलग होता है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अलग होता है एंड प्लस लॉजिस्टिक पार्ट जो अलग होता है, बट जिनके यहाँ वॉल्यूम ऑफ वर्क ज़्यादा नहीं है वहाँ तकरीबन दो लोग होते हैं, अदरवाइज मिनिमम जो है ना 4 से 5 लोग होते हैं डिपार्टमेंट में जिनका वॉल्यूमेटिक बिजनेस होता है। तो आई फील लकी एंड प्लस इसमें ये है कि उस वक्त मेरा जाहिर है कि इतना वो ज़्यादा अपनी पर्सनल वो नहीं थी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, तो जैसा गाइड किया गया और ये मेरे माइंड में था कि मेरे चाचा जो हैं वो एक नेवी में एक फोर्सेस में सीनियर पोस्ट पे हैं और प्लस उनका इतना वाइड एक्सपीरियंस है टीचिंग का और एक बहुत बड़े इदारे से वाबस्ता है, तो डेफिनेटली उनकी जो अप्रोच है जो उनकी सोच है वो डिफरेंट है, और वो खुद बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, ट्रिपल मास्टर्स हैं, तो उन्होंने मुझे जो है इसके लिए कहा कि इस फील्ड को सिलेक्ट करना चाहिए, इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर। और एक बहुत बड़ी वजह, अनफॉर्चुनेट वजह भी कहूँगा मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट रीज़न है कि पाकिस्तान ने अपने डेवलपमेंट में वो पार्ट प्ले नहीं किया जो करना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पर डिपेंड करती है, हम हर चीज़ इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ बाय एनी मीन्स इम्पोर्ट करनी ही पड़ती है, ये हमारा सेटबैक है पाकिस्तान का जो मैं समझता हूँ ओवर द ईयर्स जिसको हमें डेवलप करना चाहिए था, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत वास्ट स्पेस है। ऐसा ही है, अफसोस के साथ यही कहना पड़ता है कि हमारा मुल्क जो है ना, हम लोग कंज्यूमर मतलब उसकी तरफ ज्यादा चले गए हैं, हम प्रोडक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं कि हम कहीं पर जाके लोग हमसे इम्पोर्ट कर रहे हो, इवन तो 75% ऑफ हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन स्टिल हम समहाउ वो चीज़ें भी बाहर से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं और उसमें हम फख्र भी महसूस करते हैं, हम इम्पोर्टेड चीज़ें खाते हैं, तो कुछ ऐसा है। और रही बात आपने कही कि जो जिन्होंने आपको रेकमेंड किया था आपकी फैमिली में, तो हर खानदान में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो इंस्पिरेशन भी होता है और जो सही तरह से गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, और मैं कहती हूँ ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत नेमत होते हैं, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं तो कदर करें। और जैसा आपने कहा कि स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्टिंग मुझे नहीं पता था और बाद में लगा कि वाओ इसमें तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि जाहिर सी बात अपने आप में एक ओशन है। तो इन शॉर्ट मैं बस ये कहूँगी कि ऑल इज़ वेल व्हेन द एंड इज़ वेल, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। तो सर यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है मेरे माइंड में कि आपने कहा कि फार्मास्यूटिकल से आप जो हैं काफ़ी टाइम तक वाबस्ता रहे हैं, तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये लेदर और गुड्स और फार्मास्यूटिकल तक ही महदूद है या इसकी कोई और भी मतलब प्लेसमेंट है, अगर कोई डिग्री लेता है तो उसको कहाँ कहाँ जॉब जो है मिल सकती है? जैसे एचआर तो आजकल हर जो है ऑफिस है मल्टीनेशनल है या कोई लोकल है वहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट होता है, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या हर जगह होता है या इसकी कुछ मखसूस अवेलेबिलिटी है, कहीं स्पेस है जहाँ पर आप जो है आपको सर्व कर सकते हो? जरा प्लीज बताइएगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और एचआर में किस तरह से डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं? देखिए सप्लाई चेन जो है ना अब महदूद नहीं रहा, अब तो बिल्कुल भी महदूद नहीं रहा, बिकॉज आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी ऑफिस है, आपको वहां के लिए सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट है। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई चीज इम्पोर्ट करें तो आपको तभी सप्लाई चेन जरूरत होगी, आप लोकली भी कोई चीज बाय करते हैं तो यू नीड टू हैव समवन who is going to arrange the purchases, you need to have someone who buys quality products, quality raw material, agar aap kisi manufacturing mein concern mein hain ya kisi aap jaise ye assume kar le ki aap kisi let's say office mein kaam kar rahe hain to aapko office ki requirement fulfill karne ke liye bahut sari cheeze purchase karni padti hai, to agar aap ye kahein ki supply chain jo limited hai aisa argus nahi hai, ye zarur hai ki pharmaceutical mein leather mein कंज्यूमर गुड्स में इसका बहुत वास्ट स्कोप है, बट ऐसा नहीं है कि किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में इसका स्कोप नहीं है, बिकॉज छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको सप्लाई चेन की ज़रूरत है, इसको अब कवर करना जो है वो रियली इट्स आई गेस टफ टास्क है। थैंक यू सर कि आपने इतना अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ना एचआर से थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी आप जैसे कि बता रहे हैं कि अब ये वैसा नहीं रहा जैसा किसी जमाने में होता था, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं और आप लोग उस को जो है उनमें से जो है जो भी सूटेबल है और जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है आप किसी भी इदारे में जाकर अपनी जो है सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एज अ करियर लेना चाहते हैं, तो क्या उनमें उनका मैथ्स में अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, किस तरह के उनके पास मार्क्स होने चाहिए, या फिर कोई एक एवरेज स्टूडेंट भी जा सकता है MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ? और सर ऑफ द रिकॉर्ड अभी हम एक बात कर रहे थे जब हम गाने पे गए हुए थे कि हमदर्द यूनिवर्सिटी के बारे में आप कुछ बता रहे थे, तो सर प्लीज उसे उसके हवाले से प्लीज डिस्कस कीजिएगा कि जो वहां जाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स वहां पे उनका कैसे टीचर्स मिलेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि आप कह रहे थे कि हमदर्द का आपका बड़ा कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, प्लीज उस हवाले से भी जरा डिटेल बताइएगा स्टूडेंट्स को और हमारे लिसनर्स को। जी डेफिनेटली, हमदर्द यूनिवर्सिटी ने भी ओवर द इयर्स बहुत डेवलप किया है और हमदर्द में सप्लाई चेन की जो है वो एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है। और जहाँ तक ये बात है कि किस लेवल के स्टूडेंट जा सकते हैं, मेरा ख्याल ये है कि लेवल तो हम खुद डेवलप और डिसाइड करते हैं, क्योंकि मैं जितना समझता हूँ कि हम जितना इसके ऊपर मेहनत करेंगे, अपने ऊपर मेहनत करनी है। इनफैक्ट हमने जैसे अब चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं और गूगल ने बहुत चीज़ों को आसान कर दिया है और इंसान को जो है वो कम्फर्ट जोन में डाल दिया है आई बिलीव, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अबव एवरेज स्टूडेंट होना चाहिए। एवरेज भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना वो अच्छा होना चाहिए आपका, कि आप चीज़ों को कैच कर सकते हैं एंड प्लस आप जो आपके माइंड में लॉजिक है वो आप सेट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें सब चीज़ें जो है ना वो लॉजिकल चलती हैं, मतलब एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, तो आई गेस के आप ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ब्रिलियंट हो पढ़ाई में तो आप जब भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हम प्रैक्टिकल साथ साथ जैसे कहीं इंटर्नशिप करते हैं या एज अ कहीं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जॉब करते हैं, तो दैट हेल्प्स वेरी मच, वेरी वेरी मच इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन। तो ये एक बहुत हेल्पफुल, बहुत एक ब्लेसिंग है कि मैं सप्लाई चेन में MBA कर रहा हूँ एंड प्लस मैंने कहीं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग जॉब भी पकड़ ली है, तो it really supports in understanding the processes and in learning. जी ओके लिसनर्स, तो आप लोगों ने सुना कि आपको अगर साथ साथ जॉब मिल जाती है तो आप बहुत लकी अपने आप को समझें, क्योंकि जो थ्योरी हम पढ़ते हैं ना बार बार जब तक हम खुद प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते, क्योंकि बार बार वो थ्योरीज जो है वो बुक्स की हद तक रहती हैं और वो कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन बार बार हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से इतना कुछ सीखते हैं कि वो थ्योरीज में हमें नहीं मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरा अराइज मेरे माइंड में हुआ कि MBA दो तरह के होते हैं, एक MBA होता है जो रेगुलर MBA होता है और एक MBA होता है जिसे हम एग्जीक्यूटिव MBA कहते हैं, तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू नो दीज बोथ MBAs, और क्या मतलब इससे कोई डिग्री की वर्थ पे फर्क पड़ता है कि भाई अगर एक शख्स ये कह रहा है कि मैंने या मैं कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव MBA किसी भी रेलिवेंट फील्ड में, चाहे वो HR हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, तो इसमें कोई डिफरेंस है या ये दोनों एक जैसी होती हैं? तो अगर एक जैसी होती हैं तो इसे एग्जीक्यूटिव क्यों कहते हैं, लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो अगर आप इसे एलैबोरेट कर सकें फॉर द लिसनर्स तो सर आई बी रियली ग्रेटफुल। यानी इसमें फर्क है, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं है, डेफिनेटली एक रेगुलर MBA और एक एग्जीक्यूटिव MBA, इसकी मैं आपको बता दूं बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो देखें, जो MBA है रेगुलर वाला वो तो एक जो स्टूडेंट है ग्रेजुएट किए फिर उसने एडमिशन ले लिया MBA में, तो ही इज like continuing the regular MBA, ठीक है, लेकिन जो executive MBA है उनकी requirement ये होती है कि आपका minimum job experience होना चाहिए और वो vary करती है university to university, किसी की minimum 3 years होती है, किसी की 5 years होती है। Actually executive MBA में और regular MBA में एक बहुत बड़ा difference ये है कि executive में वो आपको क्या कहें कि main points जो हैं वो बताते हैं आपको, वो पढ़ाए जाते हैं आपको, और जो MBA रेगुलर स्टूडेंट पढ़ते हैं वो दैट इज अ डिटेल्ड थ्योरी, तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस। और एग्जीक्यूटिव, एक फ्रेश ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव MBA नहीं कर सकता बिकॉज उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आई गेस मिनिमम जो है ना वो 3 years एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड है इसके लिए, एग्जीक्यूटिव MBA के लिए। प्लस एक और चीज़ ये है कि जो रेगुलर MBA की क्लासेस हैं वो रोज होती हैं, एग्जीक्यूटिव MBA की क्लासेस जो हैं वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ट्वाइस अ वीक होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की थ्राइस अ वीक होती हैं,
कुछ की वंस अ वीक भी होती हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड रेगुलर एमबीए। जी सर, मतलब बहुत बड़ी एक क्यूरी थी जो ये क्लियर किया आपने। बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए एग्जैक्टली यूजुअली जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज है वो ट्वाइस इन अ वीक प्रोवाइड कर रही हैं, सैटरडे संडेज होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसा आपने कहा कि उन लोगों के लिए जॉब जो है करते हुए जो शख्स होते हैं उनको ही वो लोग उस चीज़ में इनरोल करते हैं। अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट है तो वो एग्जीक्यूटिव एमबीए की तरफ नहीं स्विच कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता, और मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस उनको रिक्वायर्ड होता है और तब जाके आप एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हो। लेकिन जाहिर सी बात है एक डिटेल पढ़ना और एक कंसाइज किसी के पॉइंट्स पढ़ना जाहिर सी बात है फर्क है, तो डिफरेंस है। लेकिन फिर भी अगर आपको एक डिग्री चाहिए तो आप एग्जीक्यूटिव की तरफ जा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, रेलिवेंट फील्ड में हैं और फिर अपनी डिग्री को मजीद थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, तो दिस इज योर ऑप्शन गाइज, आप बिल्कुल उसकी तरफ जा सकते हैं। और हमारा सर थैंक यू कि आपने इतने अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया। अच्छा सर, यहाँ पर आप ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आना चाहते हैं उनको तो आपने बता दिया, लेकिन ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स और लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे कि एजुकेशन और करियर को किस तरह से लेके चलना चाहिए? क्योंकि अब एजुकेशन हम इसलिए हासिल करते हैं क्योंकि हमें अपने करियर को एक्सेल करना होता है, तो करियर सिर्फ कुछ नहीं होता, एजुकेशन अच्छी होगी तो करियर भी आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, ये मेरा पॉइंट है। तो आप उन लोगों को क्या देंगे जो इस वक्त ग्रेजुएशन में है या फिर अपना इंटर के बाद ग्रेजुएशन की तरफ स्विच कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से अपने लिए बेस्ट फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए एजुकेशन में ताकि वो अच्छा करियर आगे अपना सकें? जी सर, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें समझता हूँ मैं कि अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ जो हमारा माइंड डेवलप किया जाता है ना हमारे चाइल्डहुड से, कि पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, बच्चे का माइंड सेट डॉक्टर पे नहीं इंजीनियर बनने पे है। मैं चाहता हूँ नहीं मेरे बच्चे जो हैं फोर्सेस में जाएं और वो फोर्सेस की नौकरी जो है वो ठाट की इज्जत की नौकरी है, और आपको पता है पाकिस्तान में फोर्सेस वाले जो हैं वो माशाल्लाह तो दे आर इन अ वेरी गुड पोजिशन। तो इस तरह मतलब अपना माइंडसेट हमें पहले क्लियर करना चाहिए कि हम हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है, हमारा माइंड किस चीज़ में ज़्यादा तेज़ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद हमें उस हिसाब से अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। हाँ, अगर हमारे पेरेंट्स इस पे एग्री नहीं है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको हम ये चीज़ रियलाइज़ कराएं। अब थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब के पेरेंट्स सबसे पिछले 15 साल के पेरेंट्स के मुकाबले में उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल मैं समझता हूँ थोड़ा चेंज हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि वो अब जो है वो ज़रा कोशिश उनकी, मतलब जैसे पहले होता था कि बच्चों पे मुसल्लत करने की कोशिश होती थी कि नहीं हमने ये कह दिया यही करना है, तो अब पेरेंट्स में थोड़ा चेंज आया है, थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है कि वो इसको कंसिडर करते हैं कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, वो क्या करना चाहता है। वैसे आई एम सॉरी, आजकल के बच्चे हैं उनका खासतौर पर जो बॉयज कहूँगा ज़रा थोड़ा सा ज़्यादातर वो उनका इंटरेस्ट जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा होता है, और करियर बिल्डिंग में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कम तवज्जो है उनकी। ओवरऑल जो है मेरा ये मानना है कि हमें अपनी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसको सिलेक्ट करना चाहिए एज अ करियर, बिकॉज देखिए जॉब तो हमको मिल ही जाती है उसमें कहीं ना कहीं, ठीक है वो स्लम्प आता है, सिचुएशन इकॉनमी की अप एंड डाउन चलती रहती है, लेकिन वो अल्लाह ने रिस्क का वादा किया हुआ है तो वो अल्लाह ताला रिस्क का बंदोबस्त कर देते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके इस पैगाम के लिए, आई होप लिसनर्स ने सुना होगा और इस पर कान धरेंगे। और ऐसा ही है सर, आपका पैशन ही अगर आपको प्रोफेशन होना तो आप ज़्यादा अच्छे से उसमें अपना अपना इनपुट भी देते हैं और फिर जो आउटपुट आता है, जो आउटकम्स आते हैं वो भी लोग देखते हैं और आपको फिर बिल्कुल सराहते हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि अब पेरेंट्स काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल हो गए हैं, वो फोर्स नहीं करते, वरना किसी ज़माने में होता था तुम्हें क्या पता, हम माँ बाप हैं तुम नहीं हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब ये होता है कि अच्छा बेटा आप क्या चाहते हो। अच्छा, और ये जो करियर और एजुकेशनल काउंसलिंग की एक नई रिवायत आई है ना, तो हमारी नई सुबह भी उसमें पेश पेश है, वो लोग पैसे दे के जाके लेते हैं लेकिन हम लोग फ्री में तमाम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हमने ये करियर क्राफ्टर दानप्लग पाथ की एक सीरीज हम लेकर आए जिसमें हम डिफरेंट करियर्स को खास तौर पर जिनके बारे में लोग बात करते हैं, बिजनेस, कॉमर्स, मेडिकल, हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं कि आपको इस तरफ अगर जा रहे हैं तो क्यों जाना
चाहिए, किस तरह की चीजें हैं, कौन से इदारे हैं, ताकि आपको एक कम से कम बेसिक्स तो पता हो, अगर बहुत ज्यादा ना भी पता हो. तो नई सुबह जो है वो स्टूडेंट्स को इस तरह से लिटरेट कर रही है, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूट. और सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर, फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, एंड थैंक यू एनी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका प्रोग्राम ज्वाइन करके, और मैं दुआ करता हूँ कि आपका प्रोग्राम इस तरह चलता रहे और आप मजीद इस अपने प्रोग्राम की मदद से लोगों को गाइड करते रहे. थैंक यू अगेन. ऑलराइट, कैसा लगा आज का करियर क्राफ्टर का अनप्लग पार्ट का एक और खूबसूरत चैप्टर जो कि था एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. हर कोई इसके मुताबिक क्वेश्चन कर रहा था, हर कोई पूछ रहा था कि भाई ये क्या होता है, और हर कोई इस फील्ड में जाना चाह रहा है. और सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब एक एमबीए का स्वैग तो होता ही है, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी आजकल थोड़ा ज्यादा स्वैग हो गया है. तो सब क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमने फाइनली आप लोगों की खातिर एक जो है ना पर्सनैलिटी हमने ढूंढी जो इस फील्ड में रेलेवेंट काम कर रही है, और 18-19 साल का उनका तजुर्बा था, और आप लोगों ने उनके तजुर्बे से यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, और अब आप उसको नजर में रखते हुए आगे का अपना जो रास्ता है, लाए अमल है, वो जरूर तय कीजिएगा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ जाना है. और अपने इस खूबसूरत से जर्नी में नई सुबह वेब रेडियो को और हमें बिल्कुल नहीं भूलना है आपने, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए हैं, हम यहाँ आपके लिए काम करते हैं, क्योंकि नई सुबह वेब रेडियो जो है यूथ का रेडियो है, यूथ के दिल की आवाज नई सुबह वेब रेडियो. तो जब सुनो इसे सुनो. मुझे कहते हैं कुरतुल्ला नब्बासी, घड़ी बता रही है कि वक्त कम रह गया है, तो आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ, और हमेशा की तरह एक ही बात की जिंदगी बहुत मुख्तसर है, आपने उसे रंजिशों दावतों में जाया नहीं करना. अगर कोई आपसे नाराज है तो उसे मना लें, क्योंकि क्या पता कल होना हो और फिर आप बैठ के पछताते रहें कि काश मना लेती या काश रोक लेती, काश मैं उसे जाने ना देती. तो फिर ये रिग्रेट लाइफ में बहुत परेशान करता है, और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते. तो आपने डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है. नई सुबह वेब रेडियो लगाओ, डिप्रेशन भगाओ, और हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपसे मिलेंगे करियर क्राफ्टर्स अनप्लग पार्ट किसी और खूबसूरत से गेस्ट के साथ, और किसी खूबसूरत से करियर के साथ, एजुकेशनल फील्ड के साथ, और आपको मजीद मालूमात देंगे और आपकी मालूमात में इजाफा भी करेंगे, ठीक है. तो तब तक अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद. आस्ता ला विस्ता, बाय बाय.